238 238, but gradually everything became more normal again. Writer says that everything became more normal after the war. युद्ध के बाद प्रत्येक चीज सामान्य होने लगी. ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर, जो रोटी वगैरह भोजन वगैरह जो युद्ध के दौरान महंगा हो जाता है वो भी अब टू बी लाइटर, मतलब मेरे काफी अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होने लगा. देर बाद ये बेड और रहने के लिए बिस्तर वगैरह, यू कुड स्लीप इन अनसिक्योर्ड. युद्ध के दौरान धमकी रहती थी, डर रहता था, एकदम निर्भय होकर के आप जो सो सकते हैं. आ रूम विद ए व्यू, एक ऐसे कमरे में क्लियर मोर यू ग्लेंसिंग एट ईच डे, जिस कमरे को आप काफी अच्छी दृष्टि से देखने के आदि थे, देखने को मिल रही थी, उस कमरे से आप दृश्य भी देख सकते हैं. इसका मतलब है कि आफ्टर द पीस, मतलब आफ्टर द वार देयर इज पीस एंड यू आर फ्री टू लिव इन योर रूम एंड यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट यू वांट. आई एंड वन डे इन आई नोटिस दैट इफ आई वाज क्यूरियस, मैं बड़ा उत्सुक थी अबाउट आर द प्रोसेस, उन वस्तुओं के बारे में दैट मस्ट स्टिल बी देयर एट दिस एट दिस 46 मार्कोनी इन मार्कोनी स्ट्रीट और मिसेस व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसेस नेम्ड मिसेस डॉट लिव्ड इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. ये पता दैट वाज गिवन बाई हर मदर, जो उसकी मां ने दिया था, वो पते के बारे में सोचती है, रहती है उस पते पर. ये सारी चीजें होनी चाहिए. आई वांटेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच स्पर्श करना चाहती थी, रिमेम्बर और याद भी करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू देम मिसेस डॉलिंग हाउस, जब पहली बार कथाकार जाती है मिसेस डॉलिंग के घर, तो पहला भ्रमण देखा इन बेलियन आई डिसाइड टू ट्राई दिस अगेन. अब दूसरी बार जाने का डिसाइड किया. आई गॉट लव देयर ऑफ एंड ऑफ विद मी ओपन द डोर टू मी. अब की बार जब जाती है तो एक लड़की मिलती है 15 वर्ष की, वो दरवाजा खोलती है. इसकी लड़की है मिसेस डॉली. आई आस्क मानिकार कहती है उसे कुछ मेरे उसे पूछा पेपर पकड़ पा दे नो कि क्या आपकी मां करते हैं. नो उसने कहा नहीं सी से बोली नहीं my mother is going around let me sort things sort पर किसी छोटे छोटे काम के लिए बाहर गई हुई. no matter I said नहीं कोई कोई बात नहीं not fine. मैंने कहा I said keep for they are that that वही ने पता है कि मार्कोनी सी आउट नंबर 46 मिसेस डॉट. सेकंड टाइम द नरेटर मार्का बिंदु देन टू सी द थिंग्स which belong to her mother. He wanted to see those things, he wanted to touch those things, and he wanted to remember them. वो जाती है, वो जैसे पहुंचती है, तो she met the girl of 15. She was the daughter of Mrs. Dobby, who opened the door. जिसने दरवाजा खोला, अब क्या होता है? जैसे ही दरवाजा खुलता है, तो कथाकार अपने अंदर प्रवेश करती है. तो यही फॉलो करता है. मैं पीछे पीछे प्रगति की गई. क्या नाम है? Same address. Then she came here. The question is that how
क्यों कैसे उसने निश्चय किया फॉर द बार बार ओवर एंड ही वांटेड टू सी एंड ही वांटेड टू टच एंड ही वांटेड टू रिमेंबर दोस थिंग्स अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज़ ही थॉट दैट ही सीज टू काउंट सीज टू माइंड दोस थिंग्स ऑन द सेम सोसाइटी हियर ये भी बेल बैक कर लेता तो ऐसी दरवाजा खोला आई फॉलो द गार्ड मेंबर दिस क्या देखा व्हाट डिड ही सी एन ओल्ड पेशेंट आयरन हनुका हनुका दैट इज लाइक द एंड ये हनुका है पर इसकी डिग्निटी थोड़ी थोड़ी हैवी ये थोड़ा भारी तो एक ओल्ड पेशेंट यानी मतलब एक पुराने जमाने का एक हनुका कैंडल होल्डर जैसे मोमबत्ती होती है नहीं थी
तो ओनली बॉक्स से भर भर के मिसेस एस उनकी मां का उनको की मां इसलिए आई थी फ्री में इसलिए एक कॉलेज पर गुजार कॉलेज कर दी सी दैट इज नॉट ही द इंपॉर्टेंस और कॉस्ट ऑफ टू अंडरस्टैंड तो इसकी इसकी एक माता मिलको जो है वो अपनी मां की चीजों को जब देखती है और बड़ी ही अस्त व्यस्त तरीके से कभी भी देखती है बड़ी बेतरतीब तरीके से कभी भी देखती है तो क्या होता है कहता है बिकॉज ऑफ टेस्ट प्लेस बड़ी पुअर ढंग से तरीके से कभी भी देखती थी बात अरे सारी चीजें अवस्थित थी बिकॉज ऑफ अग्ली फर्नीचर और कारण क्या था जहां तक की ये कभी थी वहां का गंदा का फर्नीचर और क्या था द मकी स्मेल बड़ी नमी युक्त बड़ी नमी युक्त महक आ रही थी दैट हम सब जगह छाई हुई थी आई डोंट नो ये क्या है बट आई स्टार्ट टू बियर टू लुक अराउंड लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से ही आस पास देखने का साहस किया द गर्ल हु चेयर लड़की ने चेयर को खिसकाया आई सैट डाउन टू बेड गई एंड स्टेयर एट द फूलिंग टेबल क्लॉथ और मैंने वुडन टेबल जो लकड़ी की मेज थी उस पर कपड़ा पड़ा हुआ था उसको स्टेयर मैंने ढूंढ कर देखा आई लव इट मैंने उस मेज को उस कह सकते हैं हम कवर था मेज का उस पर रब रब माने मैंने मना थोड़ा सा रगड़ा आई फिंगर यू आर मेरी उंगली जब मैंने उस कवर जो मेज पर डाला था उसके अपनी उंगली को रब किया तो आई कैन पार मेरी थोड़ी गर्मी में मेरी उंगली ऐसी लगी जैसे एक पिकेट थी जैसे गर्म हो गई क्रोम कर दिया रगड़ने से दैट बिकम ही दैट बिकम हार्ड दैट बिकम बार कैसी हो गई गर्म सी हो गई ये किसने महसूस किया द और आई फॉलो द लाइन ऑफ पैटर्न और वो जो कवर है उसने लाइनिंग थी उस लाइनिंग पर लाइनिंग का नमूना था लाइनिंग पर ऐसे फॉलो करती है अपनी उंगलियों को अगर डियर सम डियर और द इज डियर शुड बी वन मोर एक उसी याद था कि जब वो कवर मेज का द मिसेस एस डीवी थी जब वो कवर उसके घर में था तो उसके चलने का मार्ग पर चिन्ह लग गया था जल गया होगा वो चिन्ह आज भी मार्का मिल को पाती है कि आज भी वो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है that belong to the Mrs. S that the cover belong to the Mrs. S वो cover भी Mrs. S का है ये कैसे जाना she recognized by seeing that burning जैसे वो जला हुआ वो बर्तमान से आई फॉलो द लाइन ऑफ द पैटर्न मैंने वो जो डिजाइन वाली नमूने उसका फॉलो किया मतलब उसका लकड़ी देखा हो तो सम बियर हो गए कहीं किनारे यह सोच की अब मार देखा अगर ये कवर मार रही है तो फिर हमने उसको बदले निशान क्या क्या होना चाहिए लेकिन नेवर बी देयर और वो निशान अपनी माई मदर आई बैग टू आई माई मदर बिली बैग टू सेट करता वो लड़की की बैठ हुई है वो 15 साल की लड़की है वो मिसेस डॉलियों की लड़की है वो बड़ा आदर सम्मान से रिस्पेक्ट से इसको यह अपने साथ कर रही है और कह रही है कि मेरी माँ अब वापस आने वाली होगी आइए आइए वाले की बेटी को क्योंकि माँ चाय लेती होगी तो उसने ऑलरेडी चाय बना ली थी अपनी माँ के लिए उसके लिए चाय बनाई थी और उसने तथा कार मारकर उनको पूरी दी थी ये मेरे तो चाय आपके लिए तैयार कर दी उसके लिए तैयार कर ली है पहले से तैयार लेकिन लड़की की माँ को भी पीछे से देखा था लड़की की पीठ भी देखी किसने मार्गा बिल्कुल तो कहती है कि वो लड़की जो मिसेज डॉलिन की है जो 15 साल की है उसकी भी
feet for head. इसकी तरह just like the back of the mother. जैसे माँ की feet है, जैसे इसकी feet है. Just like the mother. आपकी बात समझ में? She pulled deep from a white pot. और उसने सफेद टोपी केतली है और होगा उसे चाय को गोरिला all in hand on gold border of the lid. वो जो केतली थी वो भी उसी की थी जिसकी मिसेस डॉलिन की लाई थी उसी में से कैश की आंसे मिसेस कैश उसकी माँ की वो केतली भी उसी की थी मिसेस कैश तो जैसे केतली ने वो तब तक चाय को गोरिला केतली से एक है वो केतली के ऊपर भी बॉर्डर हो गया जो ढक्कन के ऊपर किनारी की वो सुनहरी आया था ना आई रिमेम्बर ये मार्का में को कहती है हमें ध्यान आ गया ये केतली हमारी मां थी सी ओपनिंग में बॉक्स फिर लड़की ने मां नहीं है जो लड़की सब चीजें दिखा आ रही है कहती है किसी ओपनिंग बॉक्स जो सब उस लड़की ने बॉक्स खोला एक तो सब स्पून चम्मच निकाली तो चम्मच भी इसकी थी जिससे कैसे सब चीजें उठा लाई केवल एक काम क्या वाई कैसी वाली मिसेज एस क्या विश्वास दिला के सी कुड कीप देम सेफ वे उनको सुरक्षित करते बिकॉज इन हॉलैंड या हॉलैंड के पास फाइट हुई फॉर द बार ऑफ फ्रीडम बार फॉर फ्रीडम जो बनता कि युद्ध लड़ रहा था तो मोस्टली ज्यूस या कैप्चर एंड दे तो दे वे आर टॉर्चर सामान्यतः जितने यहूदी यहूदी ये सब परेशान किए जा रहे हैं उन्हीं के लिए होगी कि कहानी में आपके सामने आ रहा हूँ इसका नाम क्या है मिसेस एस उसकी बेटी का नाम क्या है मार्गा टुगेदर थिंग सॉरी थिंग दैट इज नाइस बॉय बड़ा अच्छा तो बहुत था आई हर्ड माय ओन वॉइस मैंने अपनी स्वयं की आवाज में मेरे मन में सुनती हुई सोचा सुना वाज सेम वॉइस जी आई हर्ड माय ओन वॉइस तो था बोल रही हूं एक बार ये स्पेन को बड़ी विचित्र सी आवाज आई बड़ी विचित्र आवाज आई तो ई साउंड वाज स्पेन ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक जितने भी प्रत्येक आवाज कमरे में डिफरेंट थी ओ यू नो अबाउट इट सी है करने राउंड एंड ब्रॉड टू माय टी वो लड़की कह रही है यू नो क्या आप जानती हैं सबके बारे में सी है करने राउंड और बड़ी मेरी और ब्रॉड टू माय मेरी टाइड आई सी लाफ और हंसी माय मदर से जैसे कहती कि यू क्या स्टेट कहती है मेरी माँ कहती है ये तो बहुत पुरानी कला की चीजें हैं ये है बहुत लॉट ऑफ वो मैंने बहुत सारी चीजें माई है ना डॉट वो कह रहा है सी पॉइंट पे काम कर लो फिर उसने कमरे की तरफ इशारा किया सी पॉइंट डॉट वो उनका इसको फ्रेंड बात आपके समझ में आ गई होगी पार्टनर नरे सी ऐसी फॉलो गर्ल अकाउंट ऑफ इट जैसे ही घर के अंदर चली गई प्रवेश किया गया तुम्हें तो क्या क्या देखा नरेंद्र स्पष्ट है आपके सामने कि एस द नरेंद्र फॉलो द गर्ल एलोंग द पैसिव क्या देखा उसने सीसा एन ओल्ड फैशन आयरन रूपा कैंडल होल्डर है ना दैट वाज हंग नेक्स्ट टू द एंगल नेक्स्ट और दैट वाज वेरी हैवी बड़ा हैवी हाउ वाज द नरेंद्र एबल टू रिकॉग्नाइज दैट ऑन एवरीयर मिनिट इवन तो वुडन वुडन टेबल जो लकड़ी वुडन वुडन टेबल जो ऊनी टेबल ऊनी तो उसको था कपड़ा उसको वो परचेज था जाना पहचाना था उसको कैसे पहचाना पहले से ही उसके घर का था तो कैसे पहचाना रब हर फिंगर ऑन द ब्लिंक टेबल क्लॉथ अंडरस्टैंड सी दैट बार देन सी फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न सी फाउंड अ बर्निंग मार्क that by one to two. Throw that burning mark on seeing the burning mark, then she recognized it. Then she recognized her own ambient green feeling. Thank you.